सेवा बाकी है, सब लोग आज वहीं चलेंगे, मैं भी वहीं आऊंगा। आप सब लोग पहुंचो, अब परमार्थी संदान सेवा का समय हो गया है, मौसम ठंडा हो गया, ताकि समय से वो आज काम पूरा हो जाए। चलो सभी प्रेमियों, कोई टेंट आउटी डेरों में नहीं रहेगा, तुम सब के सब यहीं बने रहते, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब मैं निकलता हूँ एक लंबी लाइन आप खड़ी हो जाओ ना, तुमसे कहा जा रहा जाओ सेवा में, तो यहीं रुकते हो, तो आने का मतलब क्या हुआ? किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलेगा, न कोई बीमारी जाएगी और बढ़ जाएगी जो संगत का न खाओ तो। तुम्हें ये मालूम नहीं है किस लिए रोज रोज कहा जाता? चलो जल्दी से निकलो, समय से पहुंचो, जो 50 जिले का अभियान है अब तो बहुत नजदीक रहे, सभी लोग कर लो, तो जो ज्यादा करेंगे उनको अतिरिक्त लाभ ज्यादा मिलेगा, वो तो माला की बात है। एक जलिया में जब एक माला स्वीकार है तो जितनी ज्यादा डालोगे उतनी माला स्वीकार हो जाएगी, तो आपका सुमरन ध्यान भजन भी हो रहा और सेवा भी हो रही है, साथ साथ में सत्संग वचन भी आपको मिल रहे हैं। इसलिए सभी प्रेमी समय से पहुंचो और इस परमार्थी संदान सेवा का लाभ लो, इससे दूना लाभ तो रात्रि सेवा का, जो आप रात में करते हो तो हिंदुस्तान में कोई नहीं करता, दिन में कोई परिश्रम नहीं करता तो रात में कौन करेगा, और आप दिन रात दोनों समय कर रहे हो और अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए नहीं कर रहे हो, तुम संगत के लिए गुरु परिवार के लिए कर रहे हो। जो जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर जुलाई के महीने में होने जा रहा है उसकी ये तैयारी है, लाखों लोग आएंगे, उनके बैठने की, सत्संग सुनने की, भजन करने की, भोजन भंडारा पाने की ये सब व्यवस्था आप लोग कर रहे हो, ये कितना बड़ा लाभ है कि तुम्हारी इस परमार्थी संदान सेवा से लाखों लोग लाभ उठाएंगे। यही तो सच्चा परमार्थ है, जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपना कोई लोभ लालच नहीं है, बाकी जितना काम आप आज तक किया और कर रहे हो वो सब स्वार्थ है, केवल यही सेवा परमार्थ के लिए। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, देर मत करो, निकलो, मैं भी आ रहा हूँ। हमारे राजमिस्त्री जो अपनी सेवा में लगे वो तो लगे रहे, और जो जो प्रेमी जहाँ जहाँ सेवाएं अपनी पहले से कर रहे हैं, लाभ सबको बराबर है। हमारे भंडारे वाले जो दिन रात रोटी बनाते हैं, उनकी कितनी कठिन तपस्या, जो पंचाग्नि का विषय ऋषि मुनियों ने बताया था, ये तो साक्षात अग्नि के सामने बैठकर अपने स्वार्थ लोभ लालच की बात नहीं, प्रेमियों को की सेवा कर रहे हैं। जो परमार्थी संदान सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा ये लोग कर रहे हैं, तो इनका उनका आदान प्रदान करा दिया जाता है, सेवा का लाभ सबको बराबर मिलता है। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, देर मत करो, ताकि समय थोड़ा रह गया, 9 बजे तो बंद ही हो जाती है और अब तो 3 घंटे रह गए, जल्दी से चलो। और वो जो मिट्टी की सेवा कल आप कर रहे थे उसमें भी बाकी रहेगी, उसको आप तत्काल करके पूरा कर लो। जय गुरुदेव।
प्रेमियों जोर से बोलो जय गुरुदेव। सब मिल बोलो जय गुरुदेव। बोलना होगा जय गुरुदेव। अभी से बोलो जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे जय गुरुदेव। सबके दाता जय गुरुदेव। सबके मालिक जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। जो आप परमार्थी संतान सेवा कर रहे हो, ये हिंदुस्तान में इंसानों की बस की बात नहीं। इंसानों ने सम परिश्रम छोड़ दिया, लेकिन नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर ये करके दिखाया जा रहा कि परमार्थी संतान सेवा का लाभ क्या है। संत महापुरुषों ने सेवा को क्यों रखा है, जीवों के पाप कर्मों को धोने के लिए, ये कितनी सरल सहज व्यवस्था के लिए रखी। चलो अपने अपने कर्मों को काटो, आप मिट्टी नहीं रोते हो। जो जन्म जन्मांतर से कर्मों का गट्ठर जो बांध के रखा हो आप उतार रहे हो। यही तो राज है जिसको कोई समझ नहीं पाएगा। ये संत महापुरुषों की महिमा और उनका जीवों के प्रति लाभ देने की व्यवस्था बिल्कुल अनोखी है। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, अब समय नहीं रहा, मौसम ठंडा हो गया। चलो अपनी पर सेवाओं का लाभ ले लो। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव। लोगों इसमें सबको सेवा मिल रही है। पानी पिलाने वाले ये भी सेवा, कुछ मुट्ठी खोद रहे हैं, कुछ भर रहे हैं, कुछ बटवा रहे हैं, कुटवा रहे हैं, सब एक नलिया में कितने लोगों का लाभ जुड़ा हुआ। पहले उसको समझो कि ये किस तरह की व्यवस्था तुम्हारे कर्म कर्जे को उतारने की रखी गई। ये मौका मिला है, आप लोग इसका लाभ उठा लीजिए। गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में भारी भीड़ हो जाएगी, तब आपको सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। अभी कम प्रेमी है इसलिए सबको मौका मिला, तो इस मौके का लाभ उठाओ, चूको मत। अगर चूके तो फिर अवसर आपको नहीं मिलेगा। पता नहीं फिर कोई सेवा रखी जाए न रखी जाए, ऐसी कोई व्यवस्था हो ना हो, या व्यवस्था ही बदल जाए, इसके लिए आप दिमाग बुद्धि मत लगाइए। कभी भी कुछ हो सकता है, कभी कोई ना कोई व्यवस्था नवीनतम आपके सामने रखी जा सकती है। व्यवस्था परिवर्तन में देर नहीं लगती, बस इधर से उधर। और पता नहीं कब किस समय कैसी सेवा में आपको लगा दिया जाए। वो सेवा तुम्हारे बस की ना हो सके, लेकिन ये मिट्टी की सेवा तो सबसे सरल है, हर प्रेमी कर सकता, सबके लिए सुविधा है ये। और इससे अपनी अपनी कर्म कर्जों को उतारो और सेवा को प्राप्त करो। चलो प्रेमियों जल्दी एंट्राउटी ढेरों से निकलो और पहुंचो। ये गेट पर कोई आज खड़ा नहीं होगा, ये खड़े होकर तुम अपना नुकसान करते हो। ये दर्शन का कोई लाभ नहीं है, जो दर्शन वहां पर होगा उस दर्शन का लाभ, इसका कोई दर्शन का लाभ नहीं है। जो लोग सेवा करके दर्शन करेंगे उसका लाभ है, सेवा करके प्रसाद ले रहे हैं वो दवा बन जाता, सेवा करके भंडारे की रोटी खाते कर्म कर जा उतर जाता, ये सेवा ही आपका आधार है। चलो जल्दी से निकलो आप लोग, ये गेट पर कोई दिखाई नहीं देगा। जय गुरुदेव। और जिनको सेवा नहीं करनी है चुपचाप झोला उठाओ घर जाओ, यहाँ भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। भंडारे वाले कितनी कठिन तपस्या अग्नि के सामने करके आपको रोटी बनाते, तुम यहाँ पड़े पड़े खाते हो, ये उतार पाओ क्या करके? इतना चढ़ जाएगा कि उतारना उतारने के लिए कई जन्म फिर आपको लेने पड़ेंगे। बात समझ में नहीं आती है,
तुम समझते हो बहुत अच्छा करते हैं, ये अच्छे की जगह तुम्हारा बुरा हो रहा। अब आदमी को हम आश्रम गए थे, हमारी बीमारी नहीं गई, परेशानी ऐसे तुम जीवन भर पड़े रहो, हमारी बीमारी कुछ नहीं जाएगी और बढ़ जाएगी। जय गुरुदेव, जय। तुम्हें वहीं पहुंचना चाहिए जहां सेवा को नहीं, वहां कम से कम देखो, अरे कुछ ना कुछ तो करोगे। यहाँ बैठ कर या मतलब यानी लेट कर तो आप आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, आदेश का पालन नहीं करते हो, तो इसका और नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय। चलो सब लोग चलो। जो धीरे धीरे
सेवाओं में लग जाओगे तो बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां लाइलाज बीमारियों का समय हो जाएगा। आने वाले दुख तकलीफों को रोक दिया जाएगा, होने वाली जो मजबूर होगी को लाभ दे दिया जाएगा। छोटा मोटा लाभ नहीं है लेकिन ये देखने में नहीं है अनुभव इलाके से उसका लाभ आप देखे रहे हो लेकिन समय नहीं पा रहे हो। जितने पसीना निकाल रहे हो ये अपने शरीर की बीमारियां ही आप निकाल रहे, क्योंकि खून जो खराब हो जाता है तभी बीमारी जन्म नहीं होती है। और ये पसीना खून को एकदम साफ कर रहा है, जितनी गंदगी है सब निकल रही है। तो धीरे 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 लोगों को वो लाभ मिल रहा है जो दवाओं से डॉक्टर के नकीबों से नहीं मिलता है। ये संतों का सोच है, उनकी सोच है, उनकी व्यवस्था है, जिसे सब साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। लेकिन जब सत्संग में आओगे और परमार्थी सेवा में लग जाओगे तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किसके आदेश हुकुम का पालन करना चाहिए। ये शरीर आपको मिला है परमार्थों की प्राप्ति के लिए, और लड़ाई का हो भौतिक जगत की नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं। 7 साल के बाद ये सब हो जाओगे, जो कुछ किया है वो भी आपके काम नहीं आएगा, जो इकट्ठा किया या कर रहे वो भी आपके काम नहीं आएगा। क्योंकि तब से आज और आज से नर्क तपस्या करोगे तो राजा हो गया और राज का भोग करोगे तो नर्क में चलेगा। ये सब नर्क में जाने के रास्ते हैं जिनको लोग समझ ही नहीं पा रहे, जिसमें चलने के लिए दीवाने हो गए। ये नहीं मालूम ये काल माया का देश है या तुम्हारा किसी का देश है, या तुम देश में जाने को करते हो, देश में अपनी हुकूमत जमा कर अपना परमार्थ क्यों बिगाड़ते हो, और आगे आने वाले यदि मुसीबत जब तक जीवन में अपने आप को क्यों डाले जा रहे। लेकिन ये बात समझना इतना आसान नहीं है। सत्संग वचनों के सिवा और कोई ऐसे वचन नहीं जो तुमको बचा ले। लोग अपने मान सम्मान अधिकार को पाने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में मानव अधिकार क्या है? प्रभु की प्राप्ति जो किसी जीव को 484 लाख जो जीव बनाए गए हैं उनमें यह अधिकार किसी को नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति कर ले। ये है मनुष्य को अधिकार, और मनुष्य ये जड़ पदार्थों में सारा जीवन कर राज मिल जाए, पट मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, मन सम्मान अधिकार पर पत्नी बार बच्चे ये सब काल का सामान तुम्हारा नहीं है, और ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, तुम्हारे काम आने वाला है। लेकिन जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे तो ये बात समझ में किसी की नहीं आएगी कि हमें वास्तव में करना क्या चाहिए, हमारा परम कर्तव्य क्या है, परमात्मा ने मानव शरीर क्यों दिया, और ये शरीर को सुचारू रूप से विषयों से बचाकर भोगों से अलग रखकर किस तरीके से परमार्थ में लगाना है। जैसे महापुरुषों के शरण में जाओगे तब आपके शरण में आएगा। ये 4 अगर 6 साल 18 पुराणों में भी नहीं है,
सभी भी मान सम्मान अधिकार की बात है, लेकिन वास्तव में जो असली अधिकार मानव शरीर का है वो तो परमात्मा की प्रार्थना है। उसके बारे में कितने लोग सोच रहे हैं, लेकिन उन करोड़ों में कितने लोग सोच रहे हैं कि हमारे मानव जीवन का सच्चा अर्थ क्या, आखिरकार परमात्मा ने हमको ये शरीर क्यों दिया, किस काम के लिए दिया, क्योंकि बार बार बंटवारा नहीं मिलता, एक बार अवसर चांस मौका आपको दे दिया गया, चाहे बना लो चाहे बिगाड़ लो, चाहे फंसा लो चाहे निकल जाओ, लेकिन ये बात समझना इतना आसान नहीं, कोई समझ नहीं रहा, सब एक दूसरे की निंदा आलोचना बुराई में लगे, क्यों कोई ये नहीं मालूम है जो हम ये काम कर रहे हैं कितना निंदनीय है, कितना खराब भी दूसरे के और प्रेम का बोझा ला करे, उनकी निंदा आलोचना बुराई करके आप किसी को गिरा नहीं सकते, वो गिरेगा तो अपने किए हुए कर्मों के द्वारा के, किसी के कहने से नहीं। अब ये बात केवल संत महापुरुषों ने बताई, भाई ऐसे कर्म करो जो पिछले बारे बारे भी ऐसा हो जाए और नए कुल बने न, और पिछले की अदायगी कैसी होगी यही नहीं मालूम, और नित्य नए कर्मों को लाते रहते, ऐसे जो बेचारे हजारों जन्म मरते रहते पैदा होते रहते मरते रहते पैदा होते, इसके अलावा कोई काम नहीं कर, मर गए फिर पैदा हुए फिर मर गए फिर पैदा, ये जन्म मरण ये बड़ा पुराना सिलसिला है और काल के लिए इसको चलाने का भी रास्ता है, लेकिन संत महापुरुष काल के इस रास्ते में बाधा डालते हैं, खड़े हो गए कि नहीं गए, बहुत दिन हो गए आते जाते मरते जन्मते, अब अपने घर की तैयारी करो, अपना घर जुड़े जाने के बाद दोबारा फिर कभी आना ही नहीं होता, न जन्म होता है न मृत्यु होती, वो अपना घर है, उस असली घर की जानकारी केवल संत महापुरुष जानते, वो नहीं जानते। तो आपको जो मौका मिला है इसी काम की जानकारी के लिए मिला, और सोचो आप पहले ये जीवन मिला है तो व्यर्थ न जाने पाए, क्योंकि दोबारा बार बार नहीं मिलेगा, जो ये सोच रहे नहीं अपनी बार मिल गया फिर मिल जाएगा, वो पहले कह दिया गया कबू कर करुणा कर देगी देत ही सुन हेत सही, कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके ये मानो अनमोल मंदिर मनुष्य शरीर हमें आपको भेंट करते, कि जाओ अपनी बार मनुष्य शरीर के जानकार संत महात्मा फकीरों की तलाश करो और उसे अपने घर का रास्ता पूछो, अपने घर चले जाओ फिर आपका भी आना मिलो, न जन्म होगा न मरण होगा न दुख न तकलीफ, इस देश से आना जाना आपको खत्म हो जाएगा, ऐसा रास्ता बताने के लिए संत महापुरुष आए और सब तरह से आपको बताते समझाते, बड़ा कठिन है कर्मों के बोझों को उतारना, लेकिन कितने मेहरबान हैं जो जीवों को बड़ी सरल युक्ति एक मिट्टी का बहाना हो किसी पर मिट्टी रखो, क्योंकि एक दिन ये शरीर भी तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा, इसी मिट्टी में मिल जाएगा, तो शरीर को मिट्टी में मिल जाने के पहले अगर इस मिट्टी से काम बन जाए तो इससे सरल कोई उपाय नहीं, वो कितना सरल आपके लिए कर दिया, अगर कहा जाए मेरे कपड़े भजन करो तो नहीं करना,
कभी शरीर नहीं साथ देता, कभी मन नहीं साथ देता, कभी बुद्धि नहीं, कभी चित्त नहीं साथ देता। लेकिन सेवा करोगे तो साथ देगा, जिन्होंने आपको कुछ करना नहीं, केवल आदेशों का पालन करना, कुछ नहीं करना। आज जो आप ये कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान या सारे विश्व में कोई नहीं जानता, ये सेवा का लाभ क्या है? सेवा तो सभी लोग करते हैं, परिवार की, बाल बच्चों की, समाज की, देश की, लेकिन किसी ने अपने जीवात्मा की सेवा नहीं। इस जीवात्मा के कारण आपका यह जल शरीर चलता फिरता उठता बोलता चलता काम करता नजर आ रहा। अगर जीवात्मा निकल जाए तो ये मृदा हो जाए, जिसके कारण शरीर चलता है उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, कोई विचार आते नहीं किया कि शरीर जीवात्मा की शक्ति के द्वारा चलता है। ये रोटी दाल सब्जी दो बजाय से नहीं चलता, उसका भी प्रमाण दिया कि जब जीवात्मा शरीर से निकल जाती फिर रोटी सब्जी डालो क्या शरीर खड़ा हो जाएगा, या शरीर से कोई काम नहीं होगा? जब तक जीवात्मा है तब तक जड़ सामान पदार्थों दोनों का प्रयोग आप कर सकते, लेकिन जीवात्मा के निकल जाने के बाद ये संसार, ये समाज और परिवार, अरे भौतिक जगत का जितना सामान कोई प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन बात समझ में नहीं आती लोगों ने 750 वर्षों से कितना प्रयास किया, जगह जगह जा जाके संदेश को दिया और कार्य भी मानव जीवन बड़े भाग से मिला, इसको व्यर्थ के कामों में खराब मत करो। और व्यर्थ का काम नहीं सुन पाए उसी में लगे पड़े, ये सब व्यर्थ काम, जो भी शरीर इंद्रियों से करते हो ये सब व्यर्थ काम। जीवात्मा को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है, बिना सत्संग के, बिना संत महापुरुषों के वचनों के सुने आप यहाँ कोई परमार्थी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। ये सेवा का विषय लोगों की जानकारी के लिए रखा गया, घर गृहस्थी परिवार में लोग अपना काम नहीं करते। आज ये भीषण गर्मी तपन में ये मिट्टी ढो रहे, क्या देखकर लोग समझ रहे हैं? कुछ नहीं। इनके भाव को, भक्ति को, श्रद्धा को, सेवा को ये कोई नहीं समझ रहा देखकर, और सबको दिखाया भी जा रहा कि बच्चे हिंदू से सब दिखा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को, पर रात में कोई सेवा नहीं करता। लेकिन आज निर्विचारण की पवन पवित्र भूमि पर ये रात्रि संध्या सेवा हो रही, दिन में लोग सेवा नहीं करते, रात में कौन करेगा? तो करके दिखाया जा रहा कि करने वालों की कमी नहीं लेकिन कराने वालों की कमी। जो खुद नहीं जानता वो दूसरे को क्या जनाएगा, जिसने खुद नहीं किया वो करना क्या बताएगा, और जिसने करके कुछ लाभ खुद नहीं पाया तो सुना बता के लाभ नहीं दे सकता करा के। तो हमने तो आपको इसीलिए यहाँ लेके आए हैं कि हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं थी, बहुत जगह आश्रम भी बनवाए, लेकिन यहीं पर आपको क्यों आया है? कोई न कोई कारण है। एक नवीनतम इतिहास का श्री गणेश भूमि से होता, इसलिए आपको इस भूमि पर तपस्या का संयम कराया जाए, तो क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, परमानंद के कारण साधु धरा शरीर, साधु संत महात्माओं का शरीर धारण करना परमार्थ के लिए, वो अपने लिए नहीं जीते,
वो जीव के लिए जीते हो, वो अपने कल्याण लाभ के लिए नहीं, जीवों को लाभ देने के लिए, कल्याण करने के लिए अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर देते हो। धीरे धीरे आप आते जाते रहोगे, सेवा भाव बना रहेगा, लाभ मिलता रहेगा, तो ये सब समझ में आ जाएगा। देखने वाले तो देखते रह जाएंगे तो काम हो जाएगा। अगर यहाँ के लोग जगह दिया जाए तो तुम्हें बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी, इनको तो चुटकी में जाते जगह दिया। समय इतना बलवान है, वो इनको जो अपने चक्कर में बांधेगा ये सब नाचने लगे। अभी थोड़ा सा फासला रखा गया कि थोड़ा सा इनको दूर रखो, तो धीरे से अपना काम बनाओ। काम की भूमिका, ये काम की पृष्ठभूमि है, इसको तैयार करो। पहले लोग जान जाएंगे, तैयारी में विघ्न बाधा डालेंगे तो समझ नहीं पाएंगे और तुम तैयारी कर लोगे, उनको इसका कोई लाभ नहीं, तुम्हें लाभ मिल जाएगा। तो प्रेमी कितनी मेहनत करें उनको देखो, और एक तरह से नहीं, सब तरह से जो जहां प्रेमी लगा है वो तन मन से एकदम कुर्बान है। चाहे भंडारी की सेवा देख लो, चाहे निर्माण कार्य की सेवा देख ले जाओ, चाहे मिट्टी सेवा, जो आपने जमीन तैयार की है मेहनत से, उसमें फसलों की देख रेख रखवाली, वो भी सेवा, ये सब आप देखिए, बड़ा आश्चर्यजनक है। ये जंगल था, सैकड़ों वर्षों में किसी ने कुछ नहीं कर पाया, और आज जमीन का भी भाग्य जगह है, यहाँ कोई आने को तैयार नहीं। अगर तैयार होता तो ये सब जमीन लोग खरीद लेते, ले लेते, लेकिन उसको उनको इस जमीन की महिमा नहीं मालूम, इस जमीन पर क्या होना है, किसके द्वारा होना है, वो करने वाली महान शक्ति कौन है। ये तो जब धीरे धीरे आदेश पालन में लग जाओगे तो सब समझ में आती आ जाए। इसलिए तन्मयता के साथ श्रद्धा सेवा भाव से लगे रहो। इतनी सरल सेवा से अनंत जन्मों के कठिन पापों की अदायगी हो जाए, इससे सरल हो कोई उपाय नहीं। इतनी आपने पूजा पाठ की लेकिन एक पाप नहीं जान खत्म, मन आपका बिल्कुल नहीं सता, मन के कर्मों की गंदगी एक भी नहीं खत्म हुई, पूजा पाठ ने भी कर ली, गंगा जमुना नहाने से भी मैं नहीं धोला मन का, ये सब आप करके हार चुके हो, लेकिन बगैर संतों की दया के ये काम होने वाला नहीं है। जहां पर दया भाई सतगुरु थी वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। इन पर समृत सतगुरु दाता की दया कृपा मेहरबानी हो गई, वही जीव बच पाते, काल माया ने किसी को बचने नहीं दिया, सबको बात कर ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को, रामकृष्ण को, जितने आप अच्छा मानते हो, भगवान मानते हो, जानकार मानते हो, लेकिन काल माया ने किसी को छोड़ा नहीं, सबको भगा के रखा, राजपाठ धन दौलत मान सम्मान, और आपको धीरे धीरे अलग किया जा रहा। ये कितना बड़ा आत्मज्ञान है, इसको कोई शब्द ज्ञान, कोई अक्षर ज्ञानी नहीं पाया, ये संतों का शब्द ज्ञान है, जिसे देखकर भी लोग नहीं मान पाएंगे, न समझ पाएंगे, न कर पाएंगे, न लाभ उठा पाएंगे, और सबके सामने किया जा रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
सब मिल बोलो कष्ट मिटेंगे सुख शांति भी देंगे सबके दाता सबके मालिक प्रेम से बोले ये नाम नहीं इंसान का ये काम नहीं इंसान का प्रेमियों ही भूमि को जगाया जा रहा समय के जगाए नाम के द्वारा ही भूमि जगती है दिशाएं जगती है जीव जगते हैं इस जंगल में कितने हजार वर्षों से जीव बेचारे पड़े हैं आज उनको जागने का अवसर मिला है ये नाम का उच्चारण क्यों किया जाए नाम लेत बहु सिंधु सुभाई करो विचार सुजन मन में सज्जनों मन में विचार करो कौन सा वो नाम है जिसके द्वारा समय का काम होगा समय का जागरण होगा और ये जन संगत सब जागेंगे आप देखते जाइए किस तरीके से काम किया जा रहा देख कर भी लोग नहीं समझ पाएंगे और काम आपका रोज हो रहा सेवा से लगे रहो अपना निशाना पक्का रखो इधर उधर झांकने ताकने किसी की सुनने की जरूरत नहीं ये सब गिराने दिखाने हटाने वाले हैं कोई तुम्हारा सहयोग करने वाला नहीं है और सहयोगी की तुम पहचानते नहीं जय चलो चलो भंडारे की तरफ बड़ी मेहनत परिश्रम किया है मैंने प्रसाद इसलिए दिया कि आपकी थकावट दूर अब चलो भंडारे का महाप्रसाद इच्छा हो तो अगर प्रसाद से काम चले बहुत अच्छी बात है वैसे शाम का भोजन हमेशा एक रोटी कम खाए तो क्या होगा बीमारी नहीं है क्योंकि यह समय ज्यादा हो जाता भोजन का समय रहता नहीं है इसलिए मैं हल्के फुल्का के लिए प्रसाद आपको दे देता प्रसाद का पानी ज्यादा पानी की मात्रा भोजन से दुनी तिगुनी होनी चाहिए ताकि समय पानी की आवश्यकता पानी शरीर के पसीने के द्वारा ज्यादा निकलता इतनी गर्मी है इतना शोषण हो रहा है जल का जब जल की कमी हो जाएगी तो आपका शरीर बीमार हो जाएगा इसलिए अन्न की कमी चाहे हो लेकिन पानी कमी मत यहाँ का जल इतना अच्छा है हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ इतना मीठा जल इतना शुद्ध आपको कहीं नहीं अगर ये शुद्ध न होता तो 88,000 ऋषि मुनियों ने कैसे तपस्या की उस समय जल में प्राण थे जब उन्होंने तपस्या की तब से जल ये शुद्ध है और आज भी वैसे क्योंकि यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं खुलने का आदेश नहीं कोई गंदगी गंदगी इस तरह के नाले फाले नहीं है तो आपको तो एक अच्छा अवसर और अच्छा एक समय अच्छी एक जगह आपको मिल गई अपनी बनाने की यार कहाँ बनाएंगे अपने जीवन को पाक सार निर्मल कहाँ आप बनाएंगे जहाँ गंदगी ही गंदगी तो इस भूमि का चुनाव ऋषि मुनि महात्माओं ने किया था अधिकार से
और आज भी आपको उसी भूमि पर ले आया गया और उसी भूमि को सफाई आप कर रहे हो जो ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी उस भूमि को साफ करने का अवसर आप मिला। ये कोई नहीं समझ पाया कि आखिरकार 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है तो इसका लाभ नहीं लेना चाहिए। लेकिन तुम कैसे हो? गंदगी के द्वारा नहीं, शुद्धता के द्वारा, स्वच्छता के द्वारा, निर्मलता के द्वारा, चरित्रता के द्वारा अवसर मिला उसका लाभ होता है। और सब लोग चलो बोलो जय। Gracias.